ओरैंगुटैन के फाउंडर यश भानुशाली ने ओरैंगुटैन एक्स के डिसबैंड होने के बाद हुए ड्रामे को क्लोज करते हुए अपनी साइड की स्टोरी रखी। बूट कैंप के खाने के इशू पे उन्होंने बताया कि इस बूट कैंप पे 40 से ज्यादा प्लेयर रह चुके हैं और एक या दो प्लेयर्स के अलावा किसी ने भी इस पे कोई कंप्लेंट नहीं किया। ही क्लेम की प्राइस पूल में जीसी टीम ने अभी तक $2500 कमाए हैं, वही उनका मंथली एक्सपेंस $10,000 से ज्यादा का था। उन्होंने पिछले 2.5 साल में ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं जीसी टीम पे विद नो एक्सपेक्टेशंस ऑफ एनी रिटर्न, क्योंकि वो वुमेन ईस्पोर्ट्स को सपोर्ट करना चाहते थे। वेल, नॉट एनीमोर, एवर अगेन। और बाकी की क्लैरिफिकेशन आप इस पोस्ट में पढ़ सकते हैं। और इसके बाद इस इशू पे ओरैंगुटैन या उनकी तरफ से कोई कॉमेंट नहीं आएगा। उन्होंने ये भी बताया कि अप्स एंड डाउन्स बिजनेस में जरूर आए, क्योंकि ई स्पोर्ट्स एक मनी मेकिंग बिजनेस नहीं है बाकी स्पोर्ट्स की तरह। और ये हमें भी पता है कि ऐसे सिर्फ चुनिंदा ऑप्स हैं जो प्रॉफिटेबल हैं। एंड फाइनली उन्होंने बताया कि ओरैंगुटैन मार्च 2024 तक एक कैश फ्लो पॉजिटिव और बन जाएगी।